सर्वोच्च न्यायालय पे चर्चा कर रहे थे और हमने आपको सर्वोच्च न्यायालय में क्या बता दिया था, जरा बता दें। सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय के विषय में बता दिया था पिछली क्लास में कि स्थापना किस आर्टिकल के तहत हुई, स्थापना आर्टिकल बताएं 124। मैंने आपको यह भी बताया था वर्तमान समय में कितने न्यायाधीश हैं, ठीक है, कुल 34 33 प्लस 1। अच्छा, मैंने आपको कब कितने न्यायाधीश रहे पूरा सब बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये संख्या कब से है, 2019, ठीक है, ये संख्या कब से है, 2019 से। अच्छा, इस समय चीफ जस्टिस कौन है, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। उनका पदक्रम डीवाई चंद्रचूड़ का कितना है, 50वां, ठीक है। इस पर भी हमारी चर्चा हो गई थी पिछली क्लास में, ठीक है। मैंने आपको यह भी बताया था किन किन न्यायाधीशों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, बताएं, हीरालाल जे कानिया और एस मुखर्जी। मैंने बताया था त्याग पत्र किसने दिया, त्याग पत्र दिया इधर, त्याग पत्र दिया आर के पाठक और मुखरीजा और यस मुखरीजा, ठीक है, के यस राव, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद हमने आपको यह भी बताया था न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, वृद्धि कौन करता है, संसद करती है, आज संसद विधि के माध्यम से करती है, संविधान संशोधन नहीं होता है। मैंने आपको यह भी पिछली क्लास में बताया था न्यायाधीश पहले कितने थे, 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद 14, फिर 18, 18 के बाद 26, 26 के बाद में यही तो है, ठीक है, 50, 56, 60, ठीक है, 78, 86, 86 के बाद में फिर 2008 और फिर 19, क्लियर, यही तो बताया पिछली क्लास में। उसके बाद हमने बताई थी योग्यता क्या बताएगा, हाँ आम बात है, क्या योग्यता क्या बताएगी, किसी हाई कोर्ट में फिर मत आप गलत बात बोलो जितेंद्र, नहीं ऐसे नहीं, पहले खड़े हो, अब जितेंद्र देखो ना कितना अंतर है शब्द में, अच्छा बोलो, अच्छा हाँ बताओ बताओ, जो खड़े होकर बोलो जितेंद्र, लगातार न्यायाधीश के रूप में 10 वर्ष है, अच्छा यहाँ पर फिर नहीं शुद्ध बोल रही, उस दिन भी गलती तुमने की थी, मैंने क्या लिखा था, किसी न्यायालय या दो या दो से अधिक में लगातार कम से कम कितने 5 वर्ष, बैठ जाओ। मैंने क्या बताया जितेंद्र, देखो ना इधर, किसी न्यायालय में, ठीक है, हाई कोर्ट में देखे ना, दो से अधिक न्यायालय, ठीक है, लगातार कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कम से कम 5 वर्ष, ठीक है, न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, और वकील के रूप में कितनी बात करी थी, 10, और राष्ट्रपति की नजरों में एक पॉइंट और मतलब बढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद हमने आपको अगला पॉइंट क्या बताया था, शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति द्वारा, हाँ नियुक्त व्यक्ति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ठीक है, तो ये भी चर्चा हो गई थी हमारी, ठीक है। हमने बताया था इसके संदर्भ में नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इधर हमने नियुक्ति के बारे में बताया था कि समय से नियुक्ति की व्यवस्था में बदलाव हो गया, कब से बदलाव हुआ, पहले राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्ति करते थे, फिर उसके बाद कोलेजियम व्यवस्था आ गई, कोलेजियम व्यवस्था कब आई,
1998 इधर हमने तुम्हें एसपी गुप्ता फर्स्ट जजेस केस बताया। फर्स्ट जजेस केस में क्या बताया गया, कोलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए। कोलेजियम व्यवस्था में कुल न्यायाधीश कितने होंगे, पांच, मतलब 1+4, ठीक है 1+4। अच्छा एक संविधान समीक्षा आयोग आया था, संविधान समीक्षा आयोग कब आया था, 2002। कौन था अध्यक्ष, वेंकट चलैया। वेंकट चलैया ने कोलेजियम व्यवस्था की जगह पर किसका सुझाव दिया था, न्यायिक नियुक्ति आयोग। अच्छा न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए सरकार ने क्या किया, ठीक है एक अमेंडमेंट किया, ठीक है संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन था, 99 का संविधान संशोधन। फिर उसे जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, निरस्त कर दिया, ठीक है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर होती है। अच्छा कोलेजियम कितनी बार नाम वापस भेज सकता है, नाम एक बार सुझाया, राष्ट्रपति कितनी बार वापस भेज सकते हैं, एक बार। किस राष्ट्रपति ने ये सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें बताएं कि हम उसका नाम व्यक्ति का वापस भेज सकते हैं, किसने कहा था, के आर नारायण, ठीक है। तो हम लोग शायद चर्चा कर रहे थे न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। हटाए जाने के संदर्भ में हमने चर्चा की थी पिछली बार क्लास में कि कैसे हम हटाएंगे, हटाए जाने के बारे में हमने बताया था कैसे हटाया जाता है, नहीं फिर समिति बनेगी, समिति में 3 सदस्य होंगे, नहीं बहुत बढ़िया है। हमने हटाए जाने के बारे में आपको बताया था कैसे हटाएंगे, ठीक है। तो एक राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाएगा, इधर आप लोग महाभियोग शब्द का यूज ना करें, ठीक है। राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जाता है, महाभियोग केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रयोग होता है। आर्टिकल नंबर 56 और आर्टिकल नंबर 61 में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो लिख लीजिए किसको किसको हटाए जाने के बारे में प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। दीपक मिश्रा, दीपक मिश्रा और एस एन शुक्ला को हटाए जाने का प्रस्ताव आया पर प्रस्ताव पास ना हुआ। दीपक मिश्रा दीपक मिश्रा और एस एन शुक्ला को हटाए जाने का प्रस्ताव आया पर प्रस्ताव पास ना हुआ। वेतन की बात कर लेते हैं, वेतन की बात करते हैं। मुख्य न्यायाधीश को वेतन 2.80 लाख। पहली बात आर्टिकल किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 125 में, इसमें है 125 में, ठीक है। जरा मुख्य न्यायाधीश को वेतन कितना मिलता है, 2.80 लाख। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 प्रतिमाह, प्रतिमा दिया जाता है, ठीक है। इधर अन्य न्यायाधीशों को, अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपए प्रतिमा दिया जाता है। हाँ इतना पढ़ा होगा, ठीक है। इधर इतना पढ़ा है, क्या करें, ऐसा मत बोलो। इधर मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, ठीक है। आप अभी इधर अभी आपसे कहा जाए अजमल कसाब के बारे में डिसीजन दो, ठीक है, फिर पता चलेगा सरकार बदलेगी हमारी सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी, तब डर लगेगा। अभी वो नहीं, अभी उनका उनके बारे में देखा नहीं कौन वो थे, अरे उत्तर प्रदेश में अभी डॉन अभी मार दिया गया था, अतीक अहमद, अतीक अहमद का केस लेने से लोग डरते थे। अरे अतीक अहमद वो मुख्तार अंसारी बंदे हैं, मुख्तार अंसारी का केस लेने से लोग मना कर देते, हम नहीं लेंगे केस, इसका नहीं सुनेंगे, बस इधर अच्छा। मुख्य न्यायाधीश को इतना मिलेगा, अन्य न्यायाधीशों को इतना मिलेगा, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश को इतना मिलेगा, अन्य न्यायाधीशों का इतना मिलेगा। इधर वो शिवम, मुख्य न्यायाधीश को इतना मिलेगा, अन्य न्यायाधीशों को इतना वेतन मिलेगा। अब बात करते हैं वेतन किस निधि से दिया जाता है, निधि संचय निधि, ठीक
ठीक है, भारत की संचित विधि, संचित विधि इतना तो पढ़ाई होगा, इतना पढ़ा है। वेतन का निर्धारण कौन करता है? निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। अच्छा, इनके वेतन के निर्धारण पर क्या ये वेतन भारित होता है? संसद में मतदान हो किया जा सकता है? नहीं, मतदान भारित नहीं होता, मतदान नहीं होगा। अच्छा, पेंशन जो दी जाती है इन्हें, पेंशन ठीक है, बताएं पेंशन भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, पर कितनी? कितनी? आधी, ठीक है। वो लास्ट जो मंथ होता है ना उनका रिटायर होने के समय जो वेतन मिल रहा है, ठीक है, माह का 50% जो अंतिम माह है, ठीक है, जिसमें रिटायर हुए हैं, जो वेतन मिल रहा है उसका 50% क्या मिलेगा उनको, ठीक है, पेंशन के रूप में उसका उतना पैसा मिलता रहेगा, ठीक है, अन्य सुविधाएं भी मिलती रहती है, ठीक है। हमको ये बताओ, हमने आपातकाल पढ़ाया, ठीक है, आर्टिकल नंबर 360 और 360 में हमने आपको लिखाया कि नहीं जिसके वेतन में कटौती की जा सकती है, लेकिन आपातकाल वित्तीय आपातकाल यदि लागू है, अगर वित्तीय आपातकाल लागू है तो जज के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। अगर इमरजेंसी लागू है, ठीक है, तब क्या है, अगर उस दौरान देखा जाए तो इनके वेतन में भी क्या किया जा सकता है? कटौती की जा सकती है। अब हेडिंग डाले लिखे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। बताइए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कब बनाया जाता है, कौन बनाता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बताइए इधर, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कब बनाया जाएगा? पहली बात, किस अनुच्छेद में ऐसा है, किस अनुच्छेद में है, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, तुमने इससे पहले पढ़ा होगा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, पर क्यों करेगा, क्यों करेगा जब अब्सेंट हो या नहीं? हाँ, क्यों करेगा? हाँ बिल्कुल, जब पद रिक्त हो, नहीं मृत्यु हो गई तब तो रिक्त हो गया, अब पद रिक्त हो गया, पद रिक्त है भाई, पद खाली हो गया तब कार्यवाहक की नियुक्ति हो गई। दूसरा क्या है? हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, दूसरा कारण क्या हो गया? क्या? अरे अस्थायी रूप से अनुपस्थित है, ठीक है, अस्थायी रूप से अनुपस्थित, और एक कारण है अगर नियुक्ति में विलंब है तो, अरे हो गया ना, और एक कारण कार्य करने में असक्षम है, करने में असक्षम, ठीक है, तो क्या है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी, कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होगा, इधर समझो, इधर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति करेगा, समझिए इधर, इधर अभी हम नोट कराएंगे,
कौन नियुक्ति करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा, पर किसकी नियुक्ति करेगा? किसकी नियुक्ति करेगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को वो क्या करेगा? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाएगा। लिख लीजिए, हेडिंग डालें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, देखिए अनुच्छेद नंबर 126, अनुच्छेद नंबर 126, देखिए राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना सकता है, लिख लिया? ठीक है। अब हेडिंग वाले लिखे तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश किस में है? अनुच्छेद नंबर 127, अनुच्छेद नंबर 127। अच्छा, ये तदर्थ न्यायाधीश है, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? नियुक्ति कब की जाती है? नियुक्ति कब की जाती है? अभी हम दिखा देंगे, पहले यहां चर्चा करो, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? बिल्कुल सही है, कोरम, कोरम पूरा ना हो तब। ठीक है, इधर देखो कौन करता है नियुक्ति, कौन करता है ये सर, मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश करता है। कहां का मुख्य न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। समझिए इधर, कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। अगर तुमसे पूछा जाए किसकी सलाह पर करता है राष्ट्रपति, किसकी सलाह पर करता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, पूर्व अनुमति से। अच्छा, अगर तुमसे यहीं पर पूछ दिया जाए पर जब नियुक्ति करेगा तदर्थ न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति करेगा? तदर्थ न्यायाधीश बनाएगा, ठीक है, कौन बनाएगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट का बनाएगा, पर किसे बनाएगा, किसे बनाएगा? क्या रिटायर वाले को सेवानिवृत्त न्यायाधीश बोलेंगे, तदर्थ न्यायाधीश नहीं बोलेंगे? और भाई सोचो इधर बताइए, मैंने कहा देखो तदर्थ न्यायाधीश एक पद क्या है? तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति कब होगी? जब कोरम नहीं पूरा होगा। नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। नियुक्ति पे किसकी सलाह ली जाती है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से चीफ जस्टिस करते, पर किसे करेंगे? बोलिए ना, किसे करेंगे बताइए ना, किसे? किसी भी व्यक्ति को बना देंगे, अपने रिश्तेदार को बैठा देंगे क्या? हाँ बिल्कुल, इन्होंने सही बोला था, ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। लिखिए, अच्छा एक और प्रश्न यही पर आ जाता है, क्या तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था, जैसे कोरम पूरा नहीं है तो तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था है, क्या इस तरह की व्यवस्था ठीक है हाई कोर्टों में भी होती है? यस या नो बताएं, ऐसी व्यवस्था क्या हाई कोर्ट में होती है? यस या नो बोलिए, ये पूछा जाता है एग्जाम में, सबसे महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है।
ऐसी व्यवस्था हाई कोर्ट में नहीं होती है। तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था हाई कोर्ट में नहीं होती है। नोट करें, लेकिन तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद नंबर 127 लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा न होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश ठीक है राष्ट्रपति की सलाह पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति को नियुक्त करेगा। हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति को नियुक्त करेगा। देखिए नोट तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था केवल सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में नहीं। ये पूछा जाता है तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था केवल सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में नहीं। देखिए अगला, देखिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायाधीशों की नियुक्ति सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 128 यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इधर इसमें वो प्रश्न पूछेंगे जो तुमने आज तक नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति समझिए जरा, यहां पर भी कहा गया है इनकी नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, पर किसकी सलाह लेगा, सलाह किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेकर के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। कब करेगा, जब कोरम नहीं होगा। कब करेगा, जब कोरम नहीं होगा, ठीक है। अब हमको यह बताइए जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, रिटायर्ड न्यायाधीश, कोरम पूरा नहीं है तो चीफ जस्टिस क्या करेगा, राष्ट्रपति की सलाह पर नियुक्त कर देगा, ठीक है। क्या उन्हें, अच्छा उन्हें पता है वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे, अनाउंसमेंट मिलेंगे, ठीक है, समस्त सेवाएं मिलेंगी सभी न्यायाधीशों की तरीके से सभी सेवाएं मिलेंगी। क्या उन्हें, समझिए प्रश्न है, क्या उन्हें 33+1 में काउंट किया जाएगा, सोच के बोलो, क्या उन्हें उस दौरान, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो व्यवस्था है उसमें काउंट किया जाएगा, बस यहां उन्हें काउंट नहीं किया, अन्य कार्य सब बराबर हुए। हाँ बस वो आए जिस कार्य के लिए वो करके चले गए, ठीक है। देखिए मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की सलाह पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है जब कोरम पूरा ना हो, जब कोरम पूरा ना हो देखिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को
सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं मिलेंगी, वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं मिलेंगी अन्य सुविधाएं मिलेंगी परंतु सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा, परंतु सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। अगला लिखे अभिलेख न्यायालय, लिखे अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद नंबर 129। हाँ बताइए, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है, ठीक है, ऐसा आर्टिकल नंबर किसमें कहा गया, 129 में कहा गया। यह अभिलेखीय न्यायालय से तात्पर्य क्या है? अपने द्वारा दिए गए निर्णयों को वो रिकॉर्ड बुक में रखता है, ऐसा तो हाई कोर्ट भी करता है। हाँ वो ऐसा तो वो भी करता है, सुनो तो एक मिनट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी करता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए हुए आदेश होते हैं, ठीक है, वो मतलब लकीर के तौर पर पूरे देश के न्यायालयों में, निम्न अदालतों में, उसकी बात को माना जाए उसी के, हाँ बात अब सही है, ठीक है। इसके जो निर्णय हैं निम्न अदालतों में साक्ष्य के रूप में या प्रमाण के रूप में, ठीक है, प्रस्तुत किए जाए। हाँ बताओ, हाँ 1774 में अच्छा वो तुम पहुंच गए 1774 में, जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में, वो उच्चतम न्यायालय था। ऐसा कहा गया था कि ये उच्चतम न्यायालय जिसकी स्थापना भारत काउंसिल में की जा सकती है, ठीक है। अब बाकी सुनो, 1774 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। सर एलिजा इम्पे उसके मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। उसके निर्णय जो थे ना, उसमें कहा गया था अगर बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में वादी प्रतिवादी दोनों अगर एग्री हों, जैसे नहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आप जाते हैं तो वादी प्रतिवादी दोनों अगर एग्री हैं तो उसमें आप केस कर सकते थे, और उसके द्वारा जो जजमेंट दिए गए हैं वो निम्न अदालतों में क्या होंगे, मान्य होंगे। अभिलेख से मतलब ये है इसके द्वारा जो निर्णय है ना, तो वो साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में निम्न अदालतों में क्या किए जाएंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। और जो आपने उसके बारे में एक लाइन और बताई, क्या बताया, कि उसके निर्णय के खिलाफ अपील की जा सकती है लंदन की प्रिवी काउंसिल में। तो ये निर्णय कहता है वो सर्वोच्च नहीं है, ये निर्णय कहता है, ये पॉइंट कहता है कि वो सर्वोच्च नहीं है। क्यों नहीं सर्वोच्च है, कि उसके ऊपर भी कोई है, क्योंकि वो उसका जजमेंट क्या कर सकता है, बदल सकता है। हमारे यहाँ का जो न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके निर्णय के विरुद्ध हम अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां तक क्लियर, अभिलेखीय न्यायालय लिख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, ठीक है, अभिलेखीय न्यायालय है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 130, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा, ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट कहाँ होगा? ऐसा कहा गया है किसमें? अनुच्छेद नंबर 130 कहाँ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 130 में। यह भी बात कही गई है जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सलाह पर, सलाह से दिल्ली के बाहर, दिल्ली के बाहर भी बैठक बुला सकता है, बुला सकता है, दिल्ली के बाहर भी बुला सकता है। और हमारे यहाँ बुलाई भी गई, कहाँ? हैदराबाद। और कहाँ बुलाई गई? श्रीनगर। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, इधर देखिए, इधर सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? अगर कहते सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ठीक है, ये याद रहे किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद नंबर 130 में कहा गया है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो है राष्ट्रपति की सलाह लेकर दिल्ली के बाहर भी बैठक का आयोजन कर सकता है, ठीक है, बिना राष्ट्रपति की सलाह से ऐसा संभव नहीं है। मान लो जैसे आप चीफ जस्टिस बन गए, सोचो कि हमारे हरदोई में भी बैठक का आयोजन हो, ठीक है, नहीं, बिना राष्ट्रपति की अनुमति से ऐसी बैठकों का आयोजन नहीं होगा। अगर अभी तक आयोजन हो चुका है तो अभी तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस तरह की बैठकों का आयोजन, हाँ, हरदोई में बैठक बुलानी है, हाँ, तो क्या हमें अपने जो हमारे राज्य न्यायालय है, हाँ, हाईकोर्ट है, मुझे राज्य न्यायालय सेटल नहीं, हाईकोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। आप देखें इधर, परमिशन सदैव उच्च से ली जाती है, निम्न को आदेश दिया जाता है, निम्न से परमिशन नहीं ली जाती है, हाँ, देखिए पहली बात, परमिशन शब्द का कभी करो, ठीक है, आपको आयोजन करना है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा, आदेश देगा ना, यहाँ यहाँ बैठक की व्यवस्था होगी, तो राज्य सरकार वो जिसे आदेश करेगा वो उसको व्यवस्थाएं हो जाएगी, तो परंतु होगा तभी जब राष्ट्रपति अनुमति देगा। ऐसा मत सोचो जैसे तुम बन गए चीफ जस्टिस, अब तुम सोचो हरदोई में ही बैठक होगी, ठीक है, ऐसा नहीं, कब ऐसा हो सकता है? जब राष्ट्रपति से आपने सलाह ली, राष्ट्रपति ने आपको अनुमति दी कि हाँ ऐसा करो, राष्ट्रपति की बिना अनुमति आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, राष्ट्रपति की बिना अनुमति आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ देखिए, अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार, पहला क्षेत्राधिकार लिखने, मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद नंबर 131, कोई बताए मूल क्षेत्राधिकार क्या है? हाँ बताओ, उसमें बताओ, बताइए। अरे वो सर, सर ऐसा था, सर वो छुट्टी पर, ठीक है, हम तो अचानक में आ गए, हाँ बताइए, मूल क्षेत्राधिकार, हाँ बोलो, हाँ जी जी, मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा क्या? नहीं, इधर त्रिपाठी पीछे, इधर
सही बैठो आराम से, ध्यान दो प्रदेय पे। अच्छा बताओ, निम्न में से मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या नहीं आएगा? ठीक है, तुम्हें बताना है निम्न में से मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या नहीं आएगा, ये प्रश्न है। विकल्प हम तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है, इतने में बता देंगे। इधर हम बता रहे हैं, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, ठीक है, राज्य व केंद्र के मध्य विवाद, ठीक है, राज्य दो राज्यों व केंद्र के मध्य विवाद, केंद्र शासित क्षेत्र व केंद्र के मध्य विवाद। तुम्हारा चौथा मन और शिवम जितेंद्र और कोई, हाँ फोर्थ सब कुसुमा पहला सर सी सब पहला, हाँ और कोई, हाँ क्या लास्ट, हाँ और कोई इधर कोई और बताना चाहता है? हाँ सब चौथे, इस बार हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे, ठीक है। इधर ये सब गलत है, ठीक है, इधर केवल चौथा सही है, ठीक है। केंद्र शासित क्षेत्र व केंद्र के मध्य विवाद जो है ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर शासन भी कौन करता है, केंद्र ही करता है। सर अगर केंद्र शासित और राज्य के मध्य में हाँ तब आए, इधर देखो यहाँ पर क्या आते हैं, जब दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो विवाद हैं, और या तो संघ के मध्य विवाद हैं, और ऐसे विवाद जिसमें संविधान की व्याख्या संलिप्त है, तो उनके लिए क्या आएगा, वो अपील करेंगे मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नोट करें, लिखिए अनुच्छेद 31 में सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट की मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख है, सुप्रीम कोर्ट के मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का उल्लेख है। प्रारंभिक मामले देखे, निम्न मामले आते हैं, हड़ी नाली निम्न मामले आते हैं, देखे भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य के विवाद, देखिए भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। दूसरा पॉइंट है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद जिनमें उनके वैधानिकता अधिकारों के प्रश्न निहित हो, द
वैधानिकता अधिकारों के प्रश्न निहित हों, ठीक है, प्रश्न निहित हों, देख लिया इधर नोट, देखिए भारत संघ और केंद्र शासित के विवाद नहीं आते हैं, भारत संघ और केंद्र शासित के विवाद नहीं आते हैं, भारत संघ और केंद्र शासित के विवाद नहीं आते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केवल वही विवाद आते हैं जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है, जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है, तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है, देख लिया। अब देखिए जरा, अब चर्चा कर रहे हैं अपीली क्षेत्राधिकार अनुच्छेद नंबर 132, समझिए जरा इधर सीखो, अपीली क्षेत्राधिकार। अब यहां पर क्या है, अनुच्छेद नंबर 133 क्या है, दीवानी, दीवानी अपील, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 134 फौजदारी, फौजदारी अपील। अनुच्छेद नंबर 135 सैन्य अपील। अनुच्छेद नंबर 136 क्या है, विशेष अपील। जरा एक मिनट देख ले पहले इधर, एक मिनट जरा देखे पहले, बंद कर दे लिखना, ठीक है, समझो पहले इधर। अब अपील की जा सकती है, जैसे जैसे तुम्हें बताए, सबसे उदाहरण तुम्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का देते हैं, इधर देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का देते हैं, ठीक है। जैसे आपने केस किया, जज साहब के पास केस किया, ठीक है, तो आप जीत गए, दूसरा हारेगा, एक जीतेगा एक हारेगा, जो हारा है निर्णय के साथ कहा जाता है आप कितने दिन के अंदर या इस समय, केस पर डिपेंड होता कैसा केस है, आप कुछ अदालत में केस कर सकते हैं, कहा जाता कि नहीं कहा जाता, तो आप अपील कर सकते हैं। यहां पर बात आई सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट और पूरा क्षेत्र सबको अपील करने का अवसर है, किस आधार पर कोई अपील करेगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान क्या कहता, अपीली क्षेत्राधिकार अनुच्छेद नंबर 132 में है, अगर दीवानी अपील है तो अपील 133 के तहत, अगर फौजदारी की अपील है तो 134 के तहत, अगर सैन्य अपील है तो 135 के तहत, विशेष अपील है तो अनुच्छेद नंबर 136 के तहत, ठीक है। अब जरा समझिए इधर, इधर इधर थोड़ा रुक जाओ, ठीक है, इधर समझो। अब यहाँ पर दो शब्द आए, एक दीवानी एक फौजदारी, ठीक है। दीवानी जैसे तुम समझते हो जमीन संबंधी विवाद, फौजदारी लड़ाई झगड़े का विवाद, ठीक है, नहीं आपको ये नहीं बोलना है, ठीक है, आपको कहना है दीवानी, ठीक है। दीवानी में कौन कौन लड़ता है, दीवानी में व्यक्ति और व्यक्ति लड़ता है, दीवानी व्यक्ति व्यक्ति के बीच में होता है, ठीक है। दीवानी किसके बीच में होता है, व्यक्ति व्यक्ति के, अर्थात दीवानी में राज्य इंक्लूड नहीं होता, दीवानी में राज्य इंक्लूड नहीं होता। इधर देखो, इधर ये आपका घर है, ठीक है, ये पड़ोसी का घर है, ठीक है, वो कहता बंटवारा सही नहीं है, ये जो जिस नंबर में आपने खेत बनाया, अपना घर बनाया है, इस नंबर में ये इतनी जमीन, ये इतना भाग हमारा है, आप कहते नहीं यहाँ से हमारा है, ठीक है, इसमें इस झगड़े में राज्य इंक्लूड नहीं है, राज्य नहीं जुड़ा हुआ है। अगर आपका भाई, ये भाई भाई है, ठीक है, ये भाई भाई है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जब दो व्यक्ति लड़ रहे हैं ऐसे में राज्य इंक्लूड नहीं होता है। तो दीवानी में क्या है, व्यक्ति और व्यक्ति लड़ते हैं। अगर बात करें फौजदारी, फौजदारी किसके बीच में होते हैं, व्यक्ति और राज्य के बीच में, व्यक्ति और राज्य के बीच में होता है फौजदारी, सदैव व्यक्ति और राज्य के बीच में। जैसे जैसे किस, अभी आप जा रहे हैं
निकले विद्यालय से, कोई आया आपको मारा, अरे मान लो अनुज थोड़ी देर शिवम शिवम को गुस्सा आ गई, शिवम ने क्या किया तुम पर, ठीक है अगर अगर राज्य अच्छा शासन करता तो तुम्हें शिवम हाथ लगा सकते थे, नहीं शिवम लगा सकते थे, अगर राज्य अच्छा शासन करता तो तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तो इसमें क्या हो गया, राज्य इंक्लूड हो गया, आपके घर में डकैती पड़ी, अगर राज्य अच्छा शासन करता तुम्हारे घर में डकैती पड़ती नहीं पड़ती। पहले देखते नहीं थे कितनी चोरियों की घटनाएं होती थी, डकैती की घटना हो रही है, परंतु राज्य ने शासन अच्छा शुरू कर दिया, ठीक है घटनाओं में क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है तो क्या हुआ, इन घटनाओं में क्या हुई, कमी आ गई, ठीक है। अभी हम तुम्हें स्पेशल टाइम देंगे, मैंने सोच रखा है, ठीक है, व्यक्ति और राज्य, व्यक्ति और क्या लड़ेगा, व्यक्ति और राज्य, फौजदारी में क्या कहेंगे, व्यक्ति और राज्य, ठीक है। अब इन्होंने कहा जो जो थे वो चोर कहाँ गए, सरकार में आ गए, अरे सरकार में जो भी बैठा है ना उसे भेजा किसने है, तो उत्तरदायी कोई दूसरा थोड़ी ना है, अभी चर्चा करेंगे तुम पर, ठीक है। तो दीवानी का मतलब क्या है, इधर समझो, इधर इधर दीवानी का मतलब व्यक्ति और व्यक्ति, और फौजदारी का मतलब व्यक्ति और राज्य। यहाँ पर सीधे शब्दों में जो जमीन विवाद और लड़ाई झगड़े का विवाद ऐसा ना भूलें, अपनी भाषाओं में सदैव ये भूलें, ठीक है, यही शब्दों का प्रयोग करें पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, पॉलिटी में सदैव यही शब्दों का प्रयोग, अगर वो शब्द बोलेंगे तो व्यक्ति कहेगा ये तो अभी वही कोर्ट कचहरी में टहल रहा है, ठीक है। इधर देखो, अब बात कर लेते हैं फौजदारी में, इधर अनुच्छेद नंबर 134 क्या कहता है, अनुच्छेद 134 जरा इधर देखिए, ये बता देते हैं थोड़ा, जैसे अनुच्छेद नंबर 134, ठीक है, जैसे आपका हाई कोर्ट में केस है, ठीक है, हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया, जजमेंट आने के बाद एक हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देता है, या कहें एक तुम्हें अलग से पेपर जारी करता है, आदेश जारी करता है कि आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डिसीजन आएगा, डिसीजन की कॉपी मिलेगी और कॉपी के नीचे, ठीक है, एक पेपर और नथी होगा, वो कहता है आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे हर व्यक्ति को ये नहीं आदेश मिलता है कि आप जाओ सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, ठीक है, जैसे जैसे ये कब कब होता है जरा देखो, जैसे देखो पहली कंडीशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को बरी कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को बरी कर दिया और हाई कोर्ट ने क्या किया, फांसी दे दी, वो मामला कहां चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो, एक केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, ठीक है, एक केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था जिला न्यायालय में, तो हाई कोर्ट ने क्या किया, केस अपने पास मंगवा लिया, हाई कोर्ट ने क्या किया, केस अपने पास मंगवा लिया और क्या दे दी, फांसी, तो ये केस कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा, समझिए इधर, प्लीज समझो, इधर मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आपको बरी कर दिया, ठीक है, केस से आप बाइज्जत बरी, ठीक है, मामला कहां पर पहुंचा, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, फांसी दे दी, तो ऐसा केस जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा। दूसरी कंडीशन देखो, मामला कहां है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विचार चल ही रहा था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजमेंट नहीं आया, हाई कोर्ट ने क्या किया, केस अपने पास मंगा लिया, जैसे ही हाई कोर्ट के पास केस आया, हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, फांसी दे दी, ऐसा केस भी कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है, मृत्युदंड दे दे, मृत्युदंड दे दे, नहीं जैसी भी सजा देता है व्यक्ति, हाँ जैसे कोई एक साल की दो साल की वो अलग बात है, अगर पनिशमेंट मृत्युदंड है या 20 साल की सजा है तो ऐसे में आप जो है जाएंगे कहाँ, सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकते, लिखिए पहले लिखिए अपीली क्षेत्राधिकार अनुच्छेद नंबर 132, अपीली क्षेत्राधिकार अनुच्छेद नंबर 132,
लिखे अनुच्छेद नंबर 133 दीवानी अपील के संदर्भ में अधिकार, दीवानी अपील के संदर्भ में अधिकार अनुच्छेद नंबर 134, फौजदारी अपील के संदर्भ में अधिकार अनुच्छेद नंबर 135, सैन्य अपील के मामले में अधिकार सैन्य अपील के मामले में अधिकार अनुच्छेद नंबर 136 विशेष अपील लिखे अनुच्छेद नंबर 134 फिर लिखे अनुच्छेद नंबर 134 लिखे फौजदारी मामले में हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फौजदारी मामले में हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, लेकिन दो शर्तें हैं, लिखे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पहली शर्त लिखे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुकदमा हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुकदमा हाई कोर्ट ने अपने पास बुलाया और फांसी दे दी तो सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा सकता है, दूसरी कंडीशन है देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बरी किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बरी किया और हाई कोर्ट ने फांसी सुनाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बरी किया और हाई कोर्ट ने उसे फांसी सुनाई तो सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा सकता है। लिख लें अनुच्छेद नंबर 134 ए, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए हाई कोर्ट से एक प्रमाण पत्र लेना होता है, हाई कोर्ट से एक प्रमाण पत्र लेना होता है। ठीक है, देखिए पुनर्विचार क्षेत्राधिकार अनुच्छेद नंबर बोले 137 बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण। अच्छा ये बताओ बीएड इसमें कौन है? जितेंद्र, ठीक है, बस आप भी हैं, ठीक है, इधर देखिए। अभी केस चल रहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बीएड के खिलाफ आपके खिलाफ एक जजमेंट आ गया, बीटीसी के पक्ष में आया जजमेंट, समझो। इधर जो विपक्षी है, पता है विपक्षी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है, एक बार निर्णय पर आप उम्र विचार कर ले, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 137 के तहत। इधर अभी रास्ते बंद नहीं हुए हैं, ठीक है, जैसे आपके यहाँ घर में क्या होता है, पिताजी ने, आपने कहा पिताजी ऐसा करिए बाइक खरीद दीजिए, ठीक है, पिताजी ने कह दिया नहीं, ठीक है, फिर आप एक बार कहते फिर पुनः विचार कर लीजिए, ठीक है, फिर शाम को हाथ जोड़ के पहुँच जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट में आप आर्टिकल नंबर 137 के तहत, पता है,
पुनर्विचार याचिका उसके निर्णय के खिलाफ, इधर जो निर्णय दिया है ना उसमें आप फिर से कह सकते हैं आप अपने जजमेंट पर पुनः विचार कर लें। इधर ऐसा अच्छा उसने क्या किया, पर ज़्यादातर ऐसी अपीलें क्या होती खारिज हो जाती हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अगर उसे लगता है कि निर्णय में कहीं त्रुटि हो गई है उसके द्वारा, तो वो पुनर्विचार याचिका में अपना निर्णय बदल भी सकता है, अपना निर्णय बदल भी सकता है। ठीक है, ऐसा मत समझो अगर अगर एनसीटीई ने नया गजट जारी कर दिया, ठीक है, और पुनर्विचार याचिका एनसीटीई ने दाखिल की, ठीक है, तो क्या हो सकता है वो अपना जजमेंट बदल भी सकता है आर्टिकल नंबर 137 के द्वारा। ठीक है, पुनर्विचार याचिका, हमको ये बताओ ना पुनर्विचार याचिका हाई सुप्रीम कोर्ट में है क्या हाई कोर्ट में भी है, यस या नो, बोलिए ना इधर अजीत, होगी सर आपको होगी, इनका कहना होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, पुनर्विचार हम उस पर कहते हैं ना, इधर देखो इधर समझो, मान लो ठीक है पुनर्विचार उस पर कहेंगे जिसके निर्णय के विरुद्ध हम अपील नहीं कर सकते हैं, समझो इधर, यहाँ पर जैसे कहा तुमने बिल्कुल, यहाँ जब सुप्रीम कोर्ट में तो हाई कोर्ट में भी होगा, ठीक है, पर नहीं, पुनर्विचार वही होता है जहाँ पर निर्णय के खिलाफ हम कहीं अपील नहीं कर सकते, तो वहीं तो रिक्वेस्ट करेंगे। ऐसा करिए ना एक बार फिर से विचार कर लीजिए, अगर हाई कोर्ट में होते हैं तो हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया, पुनर्विचार क्या करवाते, सीधे हम कहाँ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं आप, कोई बात नहीं आपने निर्णय सुना दिया आपका काम हो गया, ठीक है, हम कहाँ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुना दिया सिंगल बेंच में, हम कहाँ जाते हैं डबल बेंच में, डबल बेंच का जजमेंट आ गया, अब रास्ते क्या हो गए, एक रास्ता खुला है, एक बार फिर से आप अपने निर्णय पर विचार करते हैं क्या, नहीं ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन हाँ पूछो क्या पूछ रहे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हमारा, अच्छा जब हम बता रहे हैं इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जब हाई कोर्ट में पुनर्विचार नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहां से होगा, पुनर्विचार का मतलब क्या, जैसे जजमेंट दे दिया, अरे सब छोड़ो तुम ये बताओ तुम्हें यहाँ क्लास में, क्लास टीचर ना हो, ठीक है, मान लो एक क्लास चल रहा ग्रेजुएशन क्लास है, आपने कहा सर पेट में दर्द हो रहा है छुट्टी चाहिए, मैंने मना कर दिया नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, हमें लगा बहाना बना रहे हो, ठीक है, तो तुमने तुम दोबारा हमसे कहने आओगे, कहोगे अरे हटाओ क्या जरूरत है, अभी जा रहे हैं 10 मिनट के बाद में, दूसरा टीचर आ रहा है उससे कहेंगे नहीं, आपने कहा कोई सी नहीं, प्रिंसिपल बैठे हैं, गए प्रिंसिपल साहब के पास, सर ऐसा करिए मुझे छुट्टी दे दी पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है प्रिंसिपल साहब ने कहा जाओ मिल गई छुट्टी की नहीं, आप हमसे क्यों रिक्वेस्ट करेंगे, पुनर्विचार हाई कोर्ट में नहीं ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट, क्यों, क्योंकि उसके यहाँ के बाद तुम कहाँ जाओगे, ठीक है, तो तुम कहोगे अरे सर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो कहेगा ठीक है भैया जाओ जल्दी से, क्या ठीक है, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 137 के अनुसार, के अनुसार सुप्रीम कोर्ट अपने, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर भी विचार कर सकता है, निर्णय पर भी विचार कर सकता है और उचित समझे, और उचित समझे तो उसमें संशोधन भी कर सकता है, और उचित समझे तो उसमें संशोधन कर सकता है, नोट नोट करके जरूर लिखे, स्टार लगा लें, ये केवल अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, ये केवल अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, ये केवल अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, देखें परामर्श दात्री क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद नंबर 143
ये भी पूछा जाता है पूर्व परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार अनुच्छेद नंबर 143। ठीक है, अब इस क्षेत्राधिकार में क्या होता है, राष्ट्रपति जो है आपका ना, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया था कोलेजियम के व्यवस्था के संदर्भ में। ठीक है, के आर नारायण ने सुझाव मांगा था कि हम कोलेजियम के द्वारा जो सुझाव दिया गया उसे कितनी बार वापस भेज सकते हैं, केवल एक बार। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, और उस परामर्श को माने या ना माने राष्ट्रपति, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद जरा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है 143। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, राष्ट्रपति उस परामर्श को स्वीकार करे या ना करे यह उसके विवेक पर निर्भर है। राष्ट्रपति उस परामर्श को स्वीकार करे या ना करे यह उसके विवेक पर निर्भर है। ठीक है, अगला लिखे मौलिक अधिकारों का रक्षक, मौलिक अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद नंबर 32। सुप्रीम कोर्ट क्या है, मौलिक अधिकारों का रक्षक। देखिए भारत का सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक है, देखिए अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रलेख जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रलेख जारी करता है, नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर 2 परमादेश, नंबर 3 प्रतिषेध, नंबर 4 उत्प्रेषण, और नंबर 5 अधिकार प्रेक्षा, नंबर 5 अधिकार प्रेक्षा।